हाय एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स। आज हम सीएफए लेवल 3 की रीडिंग नंबर 30 के एलओएस 3 के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस रीडिंग के पहले दो एलओएस पहले ही पढ़ चुके हैं जो कि एस्टेट प्लानिंग के बारे में थे, और यहाँ भी हम एस्टेट प्लानिंग के अंदर कोर कैपिटल और एक्सेस कैपिटल के बारे में समझेंगे कि कोर कैपिटल एक्सेस कैपिटल क्या होती है, और इनके अंदर हम इसे मोर्टेलिटी प्रोबेबिलिटीज या मोंटे कार्लो एनालिसिस से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोर और एक्सेस कैपिटल की डेफिनेशन से। तो यहाँ आपको एक एग्जिबिट वन में हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट दिख रही होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे कि हाउस है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है और दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है। और दूसरी एक चीज जो आपको दिख रही होगी वो है नेट एम्प्लॉयमेंट कैपिटल। ये जो नेट एम्प्लॉयमेंट कैपिटल है इसे हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं, और ये बेसिकली हमारी जो आने वाले टाइम में फ्यूचर से हमें जो इनकम होने वाली है, चाहे वो हमारी सैलरीज से हो, अदर इनकम से हो या हमारे पेंशन से हो, उस सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसे नेट एम्प्लॉयमेंट कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो ये सब बनाता है हमारा एसेट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कॉलेज फी, हमारी करंट लाइफस्टाइल, रिटायरमेंट के बाद की लाइफस्टाइल, उसमें कितना एक्सपेंस होगा, मॉर्गेज वगैरह, जो भी हमारे एक तरह से टोटल एक्सपेंसेस है हमारी पूरी लाइफ में आज से लेके टिल डेथ, वो सब हमारी लाइबिलिटीज बनती है, और उसके ऊपर जो भी बच गया वो बनता है हमारा एक्सेस कैपिटल। तो जो हमारी लाइबिलिटीज है टोटल, जिसकी और जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर के अंदर, हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए, हमारे रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस के लिए, हमारे मॉर्गेज के लिए, कॉलेज के लिए और भी तरह के जो भी आपको दिमाग में आ रहे हो, वो सब कहलाता है कोर कैपिटल। यानी कि जो भी हमारे अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है इस लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, वो कहलाती है कोर कैपिटल, और उसके बाद जो बच्चा है वो कहलाती है एक्सेस कैपिटल। तो हमें सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि हमारे पास एक कोर कैपिटल हो जो हमारी नीड को फुलफिल करे, और उसके बाद जो कि एक्सेस कैपिटल बचती है उससे हम एस्टेट प्लानिंग कर सकते हैं मरने के बाद के हिसाब से या जो भी चीज़ है। तो वो एक्सेस कैपिटल एक सेकेंडरी होती है, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी कोर कैपिटल कैलकुलेट करें। तो अब क्या होता है कि कोर कैपिटल, जैसे कि हमने देखा कि हमारी क्या है, हमारी ह्यूमन कैपिटल हो यानी कि नेट एम्प्लॉयमेंट कैपिटल हो, या फिर हमारी जो कोर कैपिटल हो या जितनी लाइबिलिटीज है, ये सब हम फ्यूचर की डिटरमाइन कर रहे हैं कि फ्यूचर हमें हमें कितना लगेगा। तो इस हिसाब से इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रोबेबिलिस्टिक सेंस आना चाहिए। हमें जो भी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्ट नंबर हम कभी बता ही नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे फोरकास्ट किया हमने अगर नॉमिनल स्पेंडिंग नीड्स को, तो उसे एक नॉमिनल डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करके और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर हमने एक रियल स्पेंडिंग नीड्स ली तो उसको रियल डिस्काउंट रेट से। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन मेथडोलॉजी मैंने यहाँ पर बताई है, बट यहाँ पे एक इशू है। अब वो इशू आप समझिए यहाँ पे कि जो स्पेंडिंग नीड्स है हमारी, वो स्पेंडिंग नीड्स डिपेंड करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, जो कि हमें डेफिनेट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि आप 60 साल जिएंगे तो आपके स्पेंडिंग नीड्स अलग है, और अगर आप 80 साल जिएंगे तो आपकी स्पेंडिंग नीड्स अलग है, और ये दोनों जो 20 साल का बहुत बड़ा डिफरेंस है वो आपकी जो कोर कैपिटल है उसको बहुत डिफर कर देता है, और इस तरह उसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये जो तरीका अपनाया गया है वो होता है सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी का, जिसे मॉर्टेलिटी टेबल में दिया जाता है। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि क्या चांस है कि आप एक पर्टिकुलर एज तक सर्वाइव करेंगे। 70 ईयर्स के हो मान लो आप 71 तक कितनी सर्वाइव करोगे और 80 तक कितना करोगे, वो एक प्रोबेबिलिटी। तो 70 वाले के लिए 71 तक सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, लेकिन 60 के लिए 71 तक करना वहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट होगी। वहाँ पे आप मानेंगे कि 11 साल और जीना है तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क है इतना जीने में। तो ये चीज़ होती है सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे मानते हैं जनरली कि एक फैमिली के बारे में बात होती है, एस्टेट प्लानिंग हमेशा एक कपल के बारे में बात होती है, हस्बैंड और वाइफ। तो अगर हम एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों में से एक को तो जीना जिया जिएगा तो भी वो उसी एसेट का यूज़ करेगा, और दोनों जीने तो भी उसी एसेट का यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जब निकालते हैं एक फैमिली की, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सर्वाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सर्वाइव माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सर्वाइव। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपने कभी प्रोबेबिलिटी देखा हो मैथमेटिकल फॉर्मूला में, तो वहां से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्पेंडिंग नीड के प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप सारी जो स्पेंडिंग है एक पर्टिकुलर ईयर की, जैसे मान लीजिए आज से एक साल बाद, तो एक साल और जीने की प्रोबेबिलिटी से उसका मल्टीप्लाई कीजिए और उसको डिस्काउंट कर लीजिए। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद की स्पेंडिंग
आपकी कैलकुलेट कीजिए और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से मल्टीप्लाई करके उसको डिस्काउंट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल में देख रहे हैं, अर्नेस्ट की 79 एज है और 68 एज है वेबस्टर की। तो इनकी जो फैमिली, ये दोनों जो कपल है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइव करने की हर पर्टिकुलर ईयर में, वो यहाँ कैलकुलेट की है। तो आप देख सकते हैं अर्नेस्ट की एज और उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, बेट्रिस की एज और उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, और कंबाइंड सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है। तो ये तीनों से हमें यहाँ पे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मिल गई। एनुअल स्पेंडिंग हमने कैलकुलेट की इन्फ्लेशन को कंसिडर करते करते, और उस हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग कैलकुलेट की और उसको डिस्काउंट कर लिया। तो इस तरह से आप डिस्काउंट करेंगे आने वाले 15 साल, 10 साल, 20 साल। तो आपको जहाँ तक के कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए आपको आने वाले 10 साल के लिए कैलकुलेट करना हो, तो आपको इन सब डिस्काउंटेड वैल्यू टिल 10 ईयर का सम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी टोटल कोर कैपिटल बन जाएगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस एज तक निकाल सकते हो। कुछ लोग 99 एज तक निकालना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम 80 से ज़्यादा जीने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। तो वो इस तरह की बात हुई। हम जरूरी तो है नहीं कि आपने निकाला 80 साल का तो आप 80 के बाद अपने आप सुसाइड तो करोगे नहीं। तो हो सकता है इंसान उससे ज़्यादा भी जी सकते हैं और जल्दी भी उसकी डेथ हो सकती है। तो जल्दी डेथ हो गई उसके अंदर तो कोई इशू है ही नहीं, पर अगर वो ज़्यादा जी लिया तो वहाँ एक इशू है। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, आपको एक सेफ्टी रिजर्व क्रिएट करना चाहिए। सेफ्टी रिजर्व का मतलब कि आपके पास जितना अमाउंट है आपकी एक कोर, आपका एक कोर कैपिटल बनाने में, उसका कुछ 5-10% आपके हिसाब से थोड़ा एक अलग तरह से आप रखिए। और उसका रीज़न ये है कि ये जो हम यहाँ पे डिस्काउंट करते रेट, ये कैपिटल मार्केट की डिस्काउंट रेट से मान लीजिए ले लेते हैं कई बार, तो वो डिस्काउंट रेट से जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो सकता है वो भी गलत हो। उस तरह की डिस्काउंट रेट, उस तरह का रिटर्न हमें कैपिटल मार्केट से ना मिले, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हमारा ये जो कोर कैपिटल है वो एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी पे चला, बट हमारी जो टोटल लाइफ है वो उस हमने जितने के लिए कैलकुलेट की थी उससे ज़्यादा तक रह जाए। तो हो सकता है अगर आप 100 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर आप 80 तक ही कर रहे तो, और क्या पता 100 भी कर रहे तो आपकी और ज़्यादा उम्र हो। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एलिशिया और केनरोय साउथ अफ्रीका में रहते, 64 और 61 इनकी एज है, और इनकी एनुअल स्पेंडिंग एक्सपेक्ट की गई है 1 मिलियन। 1 मिलियन रेंट जो है साउथ अफ्रीका की करेंसी, वो इनकी कैलकुलेट की है। उसके अलावा इन्फ्लेशन 3% और रिस्क फ्री रेट इनकी नॉमिनल 5% मानी गई है। तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों में से कोई ना कोई सर्वाइव करे अगले 3 साल। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल दोनों की हमें यह दी है। उस हिसाब से हमने जो फॉर्मूला लगाया था ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला फॉर्मूला, उससे आप देख लीजिए ये कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है ये एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग कितनी होगी उस हिसाब से। तो एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को एनुअल स्पेंडिंग से मल्टीप्लाई करना है। वो कर दिया तो आपको उसके बाद क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग आ जाएगी एनुअल स्पेंडिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से। और उस एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग को आप डिस्काउंट कर देंगे तो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी। उन सबका सम, टोटल नीड्स, टोटल अमाउंट जो नीडेड है अगले 3 साल के लिए, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था हमारा जिससे हमने कैलकुलेट करना सीखा कि मॉर्टेलिटी टेबल के थ्रू हम कैसे किसी की कोर कैपिटल एस्टिमेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका आता है एस्टिमेटिंग यूजिंग मोंटे कार्लो सिमुलेशन। तो देखिए ये जो है ये कंप्यूटराइज्ड टेक्निक है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CFA में हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो कोई पूछ ही नहीं सकता। आज की तारीख में हमारे पास उतना ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड जो यूज़ है CFA के अंदर वो अलाउड ही नहीं है। एक्सेल वगैरह और मॉडलिंग वगैरह चाहिए होती है इसके लिए। तो वो कैलकुलेट करना अगर आपको है तो आप इसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देख के सीख सकते हैं कहीं से भी, बट यहाँ पे हमें जो एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो उसके अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिर भी हमें ये समझना होगा कि ये किस तरह से बनाया जाता है। तो ये एक तरह से एक इसका एडवांटेज है कि आप इस एक तरह से 1000 सिमुलेटेड ट्रायल्स लेते हैं किसी भी कोर कैपिटल को कैलकुलेट करने में, और उसके अंदर आप अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिकरिंग तौर पे, मतलब हर साल हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ इरेगुलर अगर वन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, जैसे मान लीजिए आप
कि फ्यूचर में बेटी की शादी है या आपकी कोई बीमारी आपको लग रहा है हो सकती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आपको कैलकुलेट करना हो वो चीज़ आप इसमें अजम्पशंस में लेंगे, इन्फ्लेशन रेट लेंगे, एसेट क्लास रिटर्न, उसके अंदर जो कोरिलेशन आ रहे उसके अंदर आप कुछ तरह की प्रोबेबिलिस्टिक अजम्पशन ले सकते हैं। तो कि मान लीजिए जैसे मेरी डिस्काउंट रेट 10% है तो मैं उसमें 1% का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, यानी 9 से 11% की कर दी, तो उस तरह की चीज़ें। तो ये सारे जब आप फैक्टर्स लेते हैं और उसके बाद आप एक 10,000 सिमुलेशंस करते हैं तो आपको एक अलग अलग कोर कैपिटल आती है जिसका कुछ एवरेज हम मान लेते हैं कि ये हमारी कोर कैपिटल होनी चाहिए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल रहते हैं, वो 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 10% हो सकता है। जितना कम होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना ज़्यादा आपको एग्जैक्ट मिलेगा आपका रिजल्ट, बट उसके अंदर यही है कि रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है कि जनरली 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया जाता है। तो अब दो तरह से डिस्प्ले हो जाता है, एक तो जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको आपका चार्ट वैल्यू दिख जाती है कि आपका पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए अलग अलग उन 10,000 सिमुलेशन में, और उसके अंदर आप उसमें देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम और आप एक तरह से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपकी जो भी अजम्पशन है, जो भी आपके इनपुट्स है जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये एक तरीका हुआ, आपको हो सकता है ये चीज़ समझने में डिफिकल्टी आ रही हो तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को भी और देखिए, यहाँ जो ये लिखा हुआ है इतना सारा इस स्लाइड में उसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए, और इवन CFA रीडिंग्स के अंदर भी आप मोंटे कार्लो सिमुलेशन और इसके अलावा स्वाइजर की रीडिंग्स आती, इन सबको भी पढ़िए। बट जनरली मैंने देखा है कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाए इस तरह का कुछ मटेरियल दिया नहीं है। तो एज ए नॉलेज के लिए सही है, बट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़े। तो एक तो ये हो गया कि हमें एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला कॉमन डिस्प्ले फॉर्मेट, दूसरा डिस्प्ले फॉर्मेट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन बताता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन मतलब कि हमारी जो पोर्टफोलियो है वो जीरो हो जाएगा, उसके कितने चांस है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उसके अंदर दो चीज़ देखी जाती है कि मेरी रिटायरमेंट एज कब से स्टार्ट हो रही है, 55, 60, 65 से, और मैं कितना पैसा अपने टोटल अमाउंट का निकाल रहा हूँ हर ईयर, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन। तो यहाँ एक एग्जिबिट दिया है, जैसे आपको अगर ये वर्ड्स आई थिंक दिख नहीं रहे हो तो मैं सबसे बता दूँ, पहला कॉलम है रिटायरमेंट एज, फिर है मीडियन एज एट डेथ, फिर है हैजार्ड रेट, फिर है रियल स्पेंडिंग पर $100, या फिर आप ये कहो कि परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग फ्रॉम टोटल अमाउंट। तो वो देखेंगे आप यहाँ पे इनिशियल अमाउंट से, तो ऐसा मतलब 2% उस इनिशियल अमाउंट का हर बार 100% का, तो ये आपकी स्पेंडिंग है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी रिटायरमेंट एज मान लीजिए 60 है, 60 के वे अंदर आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी मीडियन जो आप एज है डेथ पे वो मान लीजिए 83.4 है लोगों की, और आपकी हैजार्ड रेट जो बताई है उसके अंदर वो है 2.96%। तो उसके बाद मान लीजिए अगर आप 4% आपका एनुअल स्पेंडिंग जो इनिशियल आपका अमाउंट है उसका निकालने लग जाते हैं 60 पे, तो आपके पास 11.6% चांस है कि आप अपनी डेथ के पहले ही जीरो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो इस तरह की ये रूइन प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन होती है। तो इस LOS के अंदर हमें बस इतना ही पढ़ना था। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए कैलकुलेशन यूजिंग मोर्टेलिटी टेबल पे और कोर और एक्सेस कैपिटल की डेफिनेशंस पे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोंटे कार्लो सिमुलेशन इज मोर लाइक एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ठीक है, आप उसको 2-3 बार रीड कीजिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट आई डोंट थिंक उससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। वो कंप्यूटराइज्ड यूज कैलकुलेशन तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।